धूप को थोड़ा सा युवराज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। तो मित्रों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ साइन 75 साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15। चलिए इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15 का मान निकालना है। साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15 का मान निकालना है, बताइए कैसे करेंगे। ऊपर दोनों जगह है, ऊपर नीचे 15 लगा, वैल्यू निकाल के बताइए सर। चलिए देखिए सर, इसको करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसका फॉर्मूला नोट करिए सर। इसका ट्रिक का फॉर्मूला है डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी का यदि फार्मूला हो तो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी बाई टू, टेन ऑफ ए माइनस बी बाई होल डिवाइड बाई टू, ये होता फार्मूला टेन ए माइनस बी बाई टू। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा, टेन 75 माइनस 15 डिवाइड बाई टू, तो ये हो गया 60 बाई टू, यानी टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो याद रख लीजिए इसका मान होता है टेन ए माइनस बी बाई टू, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, और बाकी आप इसको उससे सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा वाले से, फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का भी लगा लेंगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को करने में। इसका आंसर आ गया है 1/√3। एक सेकंड सर, एक और इसका फॉर्मूला है 57 to 60 के लिए। यस सर, एक और फार्मूला है, देखिए अगर यदि फार्मूला ऐसा हो, साइन ए प्लस साइन बी फार्मूला यदि हो, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हो तो ऊपर वाले में माइनस था और इस वाले में प्लस है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए, इसका आंसर होता है टेन ए प्लस बी बाई टू। बाकी आप इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, कोई ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, उससे भी ये हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया यूपी टीजीटी में, भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिसके सारे अवयव जो हैं 30 से जिसके सारे अवयव जो हैं 30 से लघु अभाज्य संख्या हैं, जिसके सारे अवयव जो हैं 30 से लघु अभाज्य संख्या हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिसके सारे अवयव, कुल मिला के अवयव जो हैं वो 30 से लघु अभाज्य संख्या हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। ए है 2, बी है 3, 4 या 6। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने अवयव संभव हैं। सूरज सर नमस्ते। हेलो सर, आवाज आ रही है? नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो सवाल आपके सामने मैंने पढ़ दिया है, मैंने पढ़ा आपके सामने सवाल, भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या है। तो देखिए 30 से लघु अभाज्य संख्या, 30 से लघु अभाज्य संख्या, इसके बारे में बात की जा रही है। तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि आप 30 से लघु अभाज्य संख्या ले लीजिए। तो 2 है, 3 है, ओके, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है, ओके। हाउ मैनी मैट्राइसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, हाउ मैनी मैट्राइसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30, जिनके जो प्राइम नंबर हों 30 से कम हो, जिनके जो एलिमेंट हैं 30 से कम हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 30 से कम वाले प्राइम नंबर के हमारे मैट्रिक्स कौन कौन से हो रहे हैं, इसके अंक गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब 30 से कम जो लघु अभाज्य संख्या है, 30 से छोटी अभाज्य संख्या है, उसके 10 अवयव हैं। 10 अवयव मतलब 10 अवयव हैं, और 10 अवयव का मतलब होगा m गुणे n, रो गुणे कॉलम बराबर होती है अवयवों की संख्या। तो m इंटू n 10 कब बनाया जा सकता है, तो एक अपने पास बनेगा 1 गुणे 10, दूसरा बनेगा 2 गुणे 5, तीसरा बनेगा 5 गुणे 2 और चौथा बनेगा 10 गुणे 1। मतलब इस तरीके के हमारे पास केवल 4 मैट्रिक्स संभव हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, 4। पूछा गया है कि भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिसके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या हैं। तो सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या है, तो प्रकार टोटल 10 अवयव हो रहे हैं, और 10 अवयव को धारण करने वाले जो हैं अपने पास में, मैंने आपको बता दिए इतने मैट्रिक्स आपके पास में संभव हैं, टोटल 4। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी में, मान लीजिए ए मैट्रिक्स ए दिया आपके पास में, पी क्यू आर और एस मैट्रिक्स ए दिया गया है, जहां पी क्यू आर एस 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं। तो जो पी है, क्यू है, जो आर है, वो एस है, वो क्या है, 20 से छोटी अलग अलग पृथक यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो आपसे कह रहा है कि इस सारणी का अधिकतम मान क्या होगा, ये जो सारणी का आपके पास आ रहा है इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान आपको बताना है। ये जो सारणी का आएगा, सारणी ए, इसका अधिकतम मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 215, बी ऑप्शन है आपके पास में 311,
सी ऑप्शन है 317 और डी ऑप्शन है आपके पास में 323। आपको बताना है कि अधिकतम मान क्या होगा इस सारणिक का, किसका, ए का। तो ए सारणिक खुलेगा तो क्या बनेगा, 317 पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस हमको बताना है अधिकतम मान। तो भैया हमारे पास चार संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, 20 से छोटी, 20 से छोटी हमारे पास जो चार संख्याएं हैं मैं लिख देता हूँ, दो है, तीन, चार होती नहीं है, फिर पाँच होती है, दो तीन पाँच छः होती नहीं है, सात होती है, आठ होती नहीं है, नौ होती नहीं है, फिर ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, तेरह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद उन्नीस। देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि अधिकतम मान चाहिए। तो अधिकतम मान तब आएगा जब ये टर्म बड़े से बड़ा हो और ये टर्म छोटे से छोटा हो। तो बड़े से बड़े के लिए आप पी क्यू को बड़े से बड़े के लिए क्या कर दीजिए, इन दोनों का गुणन कर दीजिए, सत्रह गुणे उन्नीस का, सत्रह गुणे उन्नीस। और कम से कम घटाने के लिए क्या कर दीजिए, इन दोनों का गुणन कर दीजिए, दो गुणे तीन। तो इसका आंसर आएगा 17 × 19 करिए 323 और में से 6 गए तो आंसर हुआ 317। सर सूरज सर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही किया आपने क्या सर? हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास सवाल है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है 1 1 x x प्लस 1, दूसरा 2 x x x इंटू x माइनस 1 और यहाँ पे x इंटू x प्लस 1, ठीक है। और अगला है कि एफ माई एक्स 3 x इंटू x माइनस 1 2 इंटू x माइनस 1 और x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है f माइनस 1 प्लस f 0 और प्लस f 1 किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले में से जो है हमारे पास इस वाली रो से x कॉमन आ रहा है, ये वाली रो से x कॉमन आ रहा है, मतलब एक फैक्टर इसका x बनेगा। और x की वैल्यू हम 0 डाल देंगे तो 0 मिल जाएगा, मतलब f ऑफ 0 तो 0 हो गया क्योंकि x कॉमन आ गया। दूसरा आपके पास x माइनस 1 भी कॉमन है, x माइनस 1 भी कॉमन है। तो अगर आप x माइनस 1 में x की जगह पे 1 डाल देंगे तो 1 माइनस 1 वो भी 0 हो जाएगा। तीसरा x प्लस 1 भी कॉमन है, तो अगर आप x प्लस 1 में x की जगह पे माइनस 1 डाल देंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से तीनों का योग कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर है 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है के के कितने मानों के लिए, के कितने मानों के लिए आव्यूह, आपके पास आव्यूह दे रहा हूँ मैं, 0 k 4 - k 0 - 5 - k k और -1 अव्युत्क्रमणीय हैं। के के कितने मानों के लिए ये आव्यूह जो है अव्युत्क्रमणीय हैं, ओके, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं व्युत्क्रमणीय के लिए शर्त होती है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये होती है व्युत्क्रमणीय की शर्त की सारणिक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जिसका सारणिक 0 के बराबर हो जाता है वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता, यानी अव्युत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पर शर्त क्या लगेगी, शर्त है अव्युत्क्रमणीय की सारणिक a बराबर 0। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 0 k 4 - k 0 - 5, ओके, और माइनस का k, फिर से k और माइनस का 1 इक्वल टू 0।
इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला एलिमेंट तो जीरो हो गया, दूसरा एलिमेंट आएगा माइनस का के, माइनस के इंटू माइनस वन प्लस के, और माइनस के माइनस फाइव हो गया प्लस फाइव के, और माइनस फाइव के पहला प्लस फोर आ जाएगा अगला एलिमेंट। तो माइनस के इंटू माइनस के हो गया के स्क्वायर, बस इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है ना। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर के माइनस फाइव के, यानी कितना हो गया माइनस फोर के, और ये हो गया प्लस फोर के स्क्वायर, और माइनस फोर के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जीरो ये के हर मान के लिए जीरो होगा, मतलब आंसर आएगा अनंत हल, क्योंकि ये के हर मान के लिए जीरो हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है अनंत हल। नोट कर लीजिए इसको, इसका आंसर है अनंत हल, क्योंकि के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, के हर मान के लिए ये जीरो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी से ज़रूर बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया आपके पास में, आपके सामने एक सारणिक दे रहा हूँ, ओके। सारणिक है फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, और फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव का मान क्या है। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या है, ओके इसका मान क्या है, ओके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले से तो कुछ है ही नहीं कॉमन, ओके। अगले से आप यदि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वन टू सिक्स, और ये हो जाएगा टू सिक्स अपना, फिर सिक्स टू फोर 24। आप यहाँ से ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, सबसे छोटी वाली चीज़। तो पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो वन है, टू है, और क्या है, सिक्स है। अगले वाले में थ्री इंटू फैक्टोरियल टू कॉमन आ जाएगा, तो फैक्टोरियल टू कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा थ्री, और टू यहाँ पे कॉमन आ चुका है, मतलब फोर इंटू थ्री ट्वेल्व बचा, ओके। और यहाँ पर आप फैक्टोरियल थ्री कॉमन ले लीजिए, तो इधर पे आ जाएगा वन, इधर पे आ जाएगा आपके पास में फैक्टोरियल थ्री कॉमन है तो फोर बचा है, और यहाँ पे फाइव इंटू फोर, फाइव फोर जा ट्वेंटी, और ट्वेंटी थ्री जा कितना, सिक्सटी। सही बोल रहा हूँ ना सर? हाँ हाँ सर। हाँ अब या तो माइनस पाँच सौ बावन नहीं सर, इतना नहीं आ रहा है, ओके ओके सर। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बाहर जो है आपके पास में, एक मिनट, क्वेश्चन सही लिखा हूँ कि गलत, सही लिखा है, ओके ठीक है। तो सर 408 आ रहा है, 408 आ रहा है मैडम? यस सर। मैडम एक बार चेक करिए, मेरे को आंसर तीन फैक्टोरियल, तीन दोने छः, और छः दोने बारह, बारह ये हो गए, मेरा आंसर 24 आ रहा मैडम, और 24 ऑप्शन में भी है। ऑप्शन जो दिए गए हैं एक दो तीन, दो तीन चार, तीन चार पाँच, ऑप्शन तो बिल्कुल अपन ने सही लिखे हैं मैडम। एक बार प्लीज़ आंसर चेक करिए, और यदि मैंने मेथड कहीं गलत ना करी हो ये भी आप लोग देख लीजिए, कुछ गलत तो नहीं करा अपन ने। एक दो तीन, इधर से ये ओके सर, डिटरमिनेंट का दो कॉमन ले लिया तो एक बज गया, इधर तीन बज गया, और इधर चार तियाँ बारह बज गया, बिल्कुल सही है। इधर पे चार बज गया है, और इधर पे पाँच चौके बीस, नीचे वाले में ये गलती कर रहे हैं अपन, पाँच चौके बीस, क्योंकि तीन तो कॉमन ले लिया है। अब सॉल्व कीजिए मैडम, सॉल्व कीजिए जरा इसको, देखिए 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24 आ रहा है सर। हाँ 24 आ रहा है सर, 24 आ रहा है। हाँ जी, तो इसका आंसर जो है सर वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसकी ट्रिक डायरेक्टली नोट कर लीजिए। इसकी ट्रिक है 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो शुरू वाली सबसे छोटी लाइन होती है उसका गुणा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 एंड टू फैक्टोरियल 3। तो देखिए 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा कितना, 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन आया फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, और यहाँ पे 15, और पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। तो अभी जो मैंने ट्रिक बताई, 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 11,
फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, ओके। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप जो है इस तरीके से इस पे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक रिज़ल्ट है। तो इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में लिखें, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा n, n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है। इधर पे n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल और n प्लस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है जाएगा ये n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल और n प्लस 5 फैक्टोरियल। तो इसका डायरेक्टली सारणिक का मान निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। नमस्कार सर। क्या सर? नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्ते सर, जय हिंद सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो फिर 30 सेकंड का वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ट्रिक ये है, ये डिटरमिनेंट की ट्रिक है कि अगर आपके पास में कोई भी n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 2 से फिर शुरू होगा, फिर n प्लस 3 और n प्लस 4 फैक्टोरियल तक अगर आपके पास जा रहा है, एक मिनट, 1 2 3, फिर 1 से 2 से 3, फिर 3 4 5 जाएगा, सॉरी n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5। एक मिस्टेक हो गई सूरज सर यहाँ पे, क्या n n प्लस 1 n प्लस 2, फिर n प्लस 1 से शुरू किया है ना, और फिर n प्लस 2 से करना था सर, है ना सर? हमें सर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए सर, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, थर्ड लाइन सर, हाँ, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, हाँ, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 से करना था, वही। तो इसका आंसर है डायरेक्टली 2 इंटू पहली वाली लाइन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, TGT एग्ज़ाम में पूछा गया, सुन लीजिए उसको आप लोग और लिखना, मैं समझा दूंगा फिर आपको। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि पी क्यू आर तीन अलग अलग भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब पी बराबर नहीं है क्यू के और क्यू बराबर नहीं है आर के, और तीनों पी कॉमा क्यू कॉमा आर जो है वास्तविक संख्याएं है, धनात्मक हैं, बढ़िया बात है। तो आपको बताना है कि पी क्यू आर और क्यू आर पी और आर पी क्यू, एक डिटर्मिनेंट आपके सामने पेश किया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर, फिर है भैया क्यू आर पी, और फिर कितना है ये, और फिर है आपके पास में आर पी क्यू। तो ये कह रहा है कि इसका मान जो होगा क्या होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, डी का मान आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया आपके पास में, पहला ऑप्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो, तीसरा आंसर दिया गया है डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो, और चौथा ऑप्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चलिए आप थोड़ा सा वक्त लीजिए इसको करने के लिए, एक मिनट मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आना चाहिए सर मेरे हिसाब से। ठीक है सर, देखते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको इसको जब मैंने क्लासेस ली हैं लगातार, तो मैंने आपको बताया है कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी की जो एक्सपेंशन बनती है वो क्या बनती है भाई, ये बनती है तो पी क्यू आर की फॉर्म में बनेगी, तो ये बनेगी माइनस ऑफ पी क्यूब
प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR, ये एक्सपेंशन बनती है। ओके इसको कई सर, बार ऑप्शन वन आ रहा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन वन। ओके आपका कहना है डी लेस देन जीरो। देखिए ये तो आपने नेगेटिव देख के शायद बोल दिया होगा, ठीक है ना। तो अब खैर डिस्कस करते हैं आगे इस पर। अब देखिए यदि ये देखूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो बनता है हमारे पास में, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू होता है कितना, तो पी प्लस क्यू प्लस आर और ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। सर बीच में प्लस ही होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है सर? नहीं सर स्क्रीन मेरी पूरी डिस्प्ले हो रही है सर, आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके जुड़ जाइए या नेट पैक चेक कर लीजिए सर। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यदि मैं इसको इस तरीके से यदि 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 का डिवाइड कर दूँ और उस 2 को मैं यदि अंदर ला दूँ तो ये 1/2 है, और उस 2 को मैं यदि ना लाऊँ तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये 2 यहाँ अंदर आने के बाद देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 अंदर आने के बाद ये बन जाता है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और बाहर एक माइनस साइन लगा है, इसकी वजह से डी क्या आएगा, लेस देन जीरो। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। एक चीज़ इसमें याद रख लीजिए कि अगर आपके पास में अगर ये अंदर की चीज़ें पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव हैं और तीनों का योग अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधे लिख लीजिए कि आपके पास में अगर कोई एक्सपेंशन है, आपके पास में कोई एक्सपेंशन है ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये आपके पास में कोई एक्सपेंशन है, इसका एक ही फंडा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा, और अगर ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो है तो आपका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी, नहीं इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है सर, हाँ उसमें ए पी क्यू आर इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ तीनों अलग अलग जीरो हैं सर, तो पी इक्वल टू वन, P इक्वल टू वन, Q इक्वल टू टू और R इक्वल टू थ्री ले लेते हैं, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। उससे हो जाता है, वन टू थ्री रखने पे हो रहा है। उससे पॉजिटिव आ रहा है सर? सर पॉजिटिव नहीं आएगा उससे, वही क्या नेगेटिव माइनस में आ रहा है। यस सर माइनस 18 आ रहा है। मैंने मैंने सॉल्व किया है P इक्वल टू वन, Q इक्वल टू टू, R इक्वल टू थ्री लिया है जी सर, सॉल्व किया है तो मेरा तो प्लस 6 आ रहा है। नहीं 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 माइनस 18 आ रहा है सर उसी से जी, हमने भी वैसे ही किया सर, मैंने भी वैसे किया। चलिए तो ज़्यादा अच्छा मेथड आप लोगों ने बताया यहाँ पे कि सर सही बात है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन उपलब्ध हैं यहाँ पे, है ना, तो ऑप्शन उपलब्ध है। बस ये है कि एक जो चॉइस बनती है वो जीरो वाली, तो जो चॉइस जो जीरो वाली बनती है उसके लिए अपने पास विकल्प ये बन जाएगा कि उसके लिए अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जीरो में फंडा ये हो रहा है कि जीरो में तब ये इक्वल होते, जो अपने पास कंडीशन बनी वो क्या बनी, कंडीशन अपने पास बनी माइनस 1/2 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस आर और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस सॉरी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर। देखिए सीखने की बात ये है कि अगर p इक्वल टू q इक्वल टू r हो गया तो फिर ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो ये चीज़ भी p माइनस q भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी,
तो दैट टाइम ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। तो बाकी के केसेस के लिए अपने पास में ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बन सकती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ऋणात्मक आएगा, और अगर आपका a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो है तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो धनात्मक आएगा। कहिए ठीक है, क्लियर है एकदम अच्छे से? जी सर। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो आपने बताया वो भी बहुत बढ़िया है कि डायरेक्टली पुट करके। जी सर, शॉर्ट ट्रिक वो तो और अच्छी बात है, सबसे बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए आपके पास दिया गया है ए इक्वल टू वन माइनस वन और माइनस वन और वन, ये आपके पास दिया गया है। तो आपको बोला गया है तो व्यंजक ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर, व्यंजक ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इसके बारे में पूछा गया। क्या है ये? फर्स्ट ऑप्शन है एक शून्य आव्यूह यानी नल मैट्रिक्स, ओके। सेकंड आपसे बोला गया है एक तत्समक आव्यूह मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तीसरा आपसे बोला गया है ए के बराबर, और चौथा बोला गया है माइनस ए के बराबर। आइए देखते हैं। तो हमारे पास ए दिया गया है, अब सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग मेरी मदद करिए, ए स्क्वायर निकाल करके बताइए कितना होगा। टू माइनस टू माइनस टू, टू टू माइनस टू माइनस टू, टू। हाँ ठीक है, टू माइनस टू माइनस टू और टू, इसका मतलब सर ने बताया है कि ये एक तरीके से टू ए हो गया है ना सर? यस सर। और अगर हम ये हमारे पास टू ए हो चुका है, ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए, और यदि हम ए क्यूब निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ए क्यूब फोर माइनस फोर फोर, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इन टू ए, और ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी कितना है, टू ए है, और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू है टू ए स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास में ए क्यूब कितना आ गया, टू ए स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर, और ए क्यूब खुद का वैल्यू कितना है, टू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया इसका आंसर। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दिया गया है ए इक्वल टू जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो, ये आपके पास है ए, तो आपसे पूछा गया है कि ए किस प्रकार का आव्यूह है। पहला है सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर। दूसरा है अंतर्वर्लनीय यानी कि इन्वोल्यूटरी इन्वोल्यूटरी, ठीक है ना। तीसरा आपसे बोला गया शून्य भावी यानी निलपोटेंट, और चौथा बोला गया है आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना। आइडेम्पोटेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्गसम, और निलपोटेंट को बोलते हैं शून्य भावी, शून्यम भावी। हाँ, आइडेम्पोटेंट है सर। आइडेम्पोटेंट होगा सर, स्क्वायर कर लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो वन वन जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा वन जीरो जीरो वन, यही आ रहा ना सर? देखिए सर यही आ रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर करने पर अगर आई आ गया तो इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट है, ओके। ए स्क्वायर पे आई आ गया तो आइडेम्पोटेंट है। अगर ए स्क्वायर पे सॉरी आइडेम्पोटेंट में आपके पास में ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ चुका है, नहीं सर ये आइडेम्पोटेंट नहीं है सर, ये इंटरवैल्यूटरी है सर। आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, इनवैल्यूटरी है सर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। हाँ सर, ये आई देख के कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, ये बहुत कंफ्यूज करता है ना। इसका हिंदी में मतलब समझा करिए सर, मैंने लिखा वर्ग सम, जो वर्ग करने पर भी समान मैट्रिक्स दे दे तो वो आइडेम्पोटेंट होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये होता है सर आइडेम्पोटेंट। मगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है सर, उसको बोलते हैं अपन इन्वोल्यूटरी। तो सर ये इन्वोल्यूटरी यानी अंतर्वर्लनीय मैट्रिक्स है, एक बार लिख लीजिए आप लोग कॉपी में सर। अगर ए स्क्वायर बराबर ए सेम का दिया सर, सर हाँ सर, इसका डायगोनल तो चेंज है ना, सम के सेम मैट्रिक्स नहीं है सर। आप स्क्वायर करके देख लो ना सर, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा ना, आ रहा है सर, a स्क्वायर इक्वल टू i आ रहा है सर, स्क्वायर i आ रहा है सर, इसका मतलब ये इन्वॉल्व वाला
फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो अलग अलग शेप में है ना सर, डायगोनल उसका अलग है, इसमें डायगोनल अलग है, दोनों को आई बोलेंगे? सर ये है, ये नहीं, है, नहीं, इसको स्क्वायर कीजिए ना सर आप पहले। ए आई नहीं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आया है सर। ए स्क्वायर निकालिए ना सर पहले। ए स्क्वायर इक्वल टू आई आया है, लेकिन ए इक्वल टू आई थोड़ी नहीं गिवन है। तो ए इक्वल टू आई कौन बोल रहा है सर? ए तो गिवन है अलग ही ना। ए कैसे बोल सकते हैं? ए स्क्वायर को ए कैसे बोल सकते हैं? कहां कोई बोल रहा है? ए स्क्वायर को ए कोई नहीं बोल रहा आया है सर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिखा है सर ने, तो ए कहाँ आया? ये तो वन के इक्वल आया। कंडीशन बताई जा रही थी सर, ये आइडेंपोटेंट की कंडीशन मैंने बताई है, मगर अभी जो आंसर आया है वो इनवोल्यूटरी आया है सर। ए स्क्वायर इक्वल टू आई है ना, मैंने आ गया ना, तो इनवोल्यूटरी हो गया। ठीक है, हाँ ये इनवोल्यूटरी हो गया सर। चलिए देख सर, कंडीशन लिख लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं वर्गसम, वर्गसम, ठीक है ना। और अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ये क्या कहलाएगा जी? इन्वोल्यूटरी, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्वर्लनीय, ठीक है, अंतर्वर्लनीय। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू निलपोटेंट, निल आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसको बोलते ना, हैं ए की पावर एम सर, ए की पावर एम, एनी पावर आ, एनी पावर का, एन पावर का निलपोटेंट कहलाता है वो, एन क्रम का निर्मल। और अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ जाए, क्या बोलते हैं सर हिंदी में इसको? लंबिक, लंबिक मैट्रिक्स। आइडेंट्री सर, एक नहीं एक, सर नहीं एक सर, एक ऑर्थोगोनल, 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 ऑर्थोगोनल हिंदी में बोलते हैं सर, लंबिक आव्यूह है, लंबिक। हाँ जी सर, लंबिक, लंबिक आव्यूह, नोट कर लीजिए सर, ये लंबिक आव्यूह है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स डायगोनल हो, डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी, तो इसका जो इनवर्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स का वो होता है, डायगोनल ही बनता है, और वो बनता है वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी, ये नोट कर लीजिए। अगर आपके पास जैसे कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है ए इक्वल टू, डायगोनल फॉर्म में है टू थ्री फोर, तो इसका जो इनवर्स निकलेगा ए इनवर्स, वो भी डायगोनल फॉर्म में ही निकलेगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री और वन बाई फोर। ये भी एक मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक है बढ़िया सी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना सूरज सर? हाँ हाँ सर, ठीक है। चलिए सर, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2×3×4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सर बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और यूपीटी जीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस की पावर 7x, कॉस की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। आपको इसके वास्तविक हलों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4 और 7 इसके वास्तविक हलों की संख्या बतानी है। चलिए बताइए, देखिए कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कीजिए आप लोग। सर ऑप्शन में क्या क्या है? 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7 जी सर।
और सर सॉरी डोमेन देना भूल गया सर मैं, सॉरी सर, टाइम डोमेन है माइनस पाई टू पाई, डोमेन बहुत जरूरी इस क्वेश्चन में, माइनस पाई टू पाई जी सर। हाँ सर, इसके तीन सोल्यूशन होंगे सर। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया आंसर सर, बहुत क्विकली आंसर दिया आपने सर, बहुत सुंदर आंसर, बिल्कुल सही आंसर है मित्रों, तीन आंसर होंगे। देखिए तो दो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, एक तो है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस पाई से लेके पाई में कॉस स्क्वायर का मान दो जगह जीरो होता है, एक माइनस पाई बाई टू जीरो होगा। तो सर एक दो दो आंसर तो आ गए, ये दो हल ही आ गए। अब देखिए ये दिख रहा है माइनस टू, दिख रहा है सिर्फ जीरो पे, ये माइनस टू दिख रहा है, तो अपने पास में कॉस की पावर, ये अपने पास में जब ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा तो ये माइनस टू होगा, और कॉस जीरो की सिचुएशन पे वन होगा तो एक आंसर इसका जीरो भी आएगा, तो टोटल आंसर आ गए अपने पास में तीन हल। ठीक है सर, तो समझ में आ गया सभी को, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2018 का जो वाकई में आया हुआ है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन है इफ इन ट्रायंगल PQR, PQR साइड्स आर इन AP। एक आपके पास ट्रायंगल PQR है, ये ट्रायंगल है P, ये है Q और ये है R। P के सामने की साइड है स्मॉल P, Q के सामने की साइड है स्मॉल Q और R के सामने की साइड है स्मॉल R। ये कह रहा है कि स्मॉल P, स्मॉल Q और स्मॉल R जो हैं, ये तीन चीज़ें, तीन नंबर्स जो हैं AP में हैं, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ AP बाई टू इंटू कॉट ऑफ R बाई टू। चलिए तो आपको कॉट A बाई टू P बाई टू और कॉट R बाई टू का मान बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, चार ऑप्शन हैं। A ऑप्शन है 0, B है 1, C है 2 और D है 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कॉट के टर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास में क्या दिया है, पी क्यू आर ए पी में है, तो आप देख सकते हैं कि 2Q इक्वल टू पी प्लस आर, ये एक रिलेशन है, इसको संभाल करके रख लीजिए, ये आपके पास काम में आएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि S यानी कि सेमी पेरीमीटर जो होती है वो होती है पी प्लस क्यू प्लस आर बाई टू, तो ये 2S कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, और अगर मैं यहाँ से P प्लस आर की जगह 2Q रख दूँ तो 2S इक्वल टू पी प्लस आर की जगह 2Q रख दिया तो 2Q प्लस क्यू यानी कि हो गया 3Q। ओके, यहाँ से S का मान कितना आ गया, यहाँ से S का मान आ गया 3Q बाई टू, ये आ चुका है। अब आ जाइए आपके इसमें cot P बाई टू और cot R बाई टू में, तो cot P बाई टू इंटू cot R बाई टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं cot P बाई टू और cot R बाई टू का। आप tan A बाई टू का फार्मूला जानते हैं, tan A बाई टू, देखिए मैं क्या बता देता हूँ, tan A बाई टू का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस A, ये होता है फार्मूला आपका tan के लिए। ठीक है ना, तो ये tan के लिए ये फार्मूला हुआ करता है। यदि इसको मैं cot के लिए लिखूँगा तो cot के लिए फार्मूला बनेगा P बाई टू के लिए S इंटू S माइनस पी अपॉन S माइनस क्यू और S माइनस आर, फिर ये R बाई टू के लिए क्या बनेगा, S इंटू S माइनस आर, ओके, और S माइनस पी और S माइनस क्यू, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S तो बाहर आ जाएगा, और देखिए रूट S माइनस पी से रूट S माइनस पी कैंसिल, रूट S माइनस आर से रूट S माइनस आर कैंसिल, तो कुल मिला करके अपने पास कितना बच चुका है, अपने पास में ऊपर बच गया है S और नीचे बच चुका है S माइनस क्यू, क्योंकि S माइनस क्यू जो है दो बार है, तो S की वैल्यू कितनी भाई साहब, अपने पास 3Q और नीचे है S की वैल्यू 3Q बाई टू थी, 3Q बाई टू और नीचे है 3Q बाई टू माइनस का Q, तो 3Q बाई टू और यहाँ पे से कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास में सॉल्व करिए सर, 3Q बाई टू में से 2Q गए यानी क्यू बाई टू, तो 3Q बाई टू अपॉन क्यू बाई टू, क्यू बाई टू से क्यू बाई टू कैंसिल, आंसर हो गया 3, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन 3। बोलिए मित्रों समझ में आया है कि नहीं आया है?
ठीक है सर, तो ये yes, ठीक है सर, yes, हाँ sir. तो इस तरीके से साइन, तो इस तरीके से साइन, ये म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी का आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है. हेलो, हाँ. तो सर अपने पास जो साइन फार्मूले एस की फॉर्म में होते हैं, कोसाइन फार्मूले होते हैं, टेन फार्मूले होते हैं, ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना. तो मैं आपको एक बार फिर से साइन के फार्मूले बता देता हूँ. साइन ए बाई टू, ओके, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. एक मिनट, क्या मैंने सही लिखा है? शायद गड़बड़ लिख रहा हूँ, मुझे याद भूल गया है साइन ए का फॉर्मूला. एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा. एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये कॉस का होता है, ये मैंने कॉस का लिख दिया है. ओके, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने कॉस का, बाई टू का है. हाँ, ये कॉस ए बाई टू का लिख दिया है. जी हाँ, जी हाँ, कॉस ए बाई टू का लिख दिया है. साइन ए बाई टू का मैं लिखवा रहा हूँ आपको. तो साइन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, सॉरी अपॉन में बी सी, बी इंटू सी. ओके, और कॉस ए बाई टू इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन कितना, बी सी. जी हाँ, तो ये साइन ए बाई टू का हो गया. अब आप इससे देखिए, आप ये निकाल सकते हैं कि टेन ए बाई टू जो होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के गुणधर्म जो चैप्टर होता था उससे. तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया भाई साहब, तो अपने पास आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए. अभी जो फ़िलहाल फार्मूला हमने कॉट के लिए यूज किया, देखिए जस्ट इसका उल्टा यूज किया है. तो बस अगर 10 आ गया आपके पास तो कॉट ए बाई टू ही आ जाएगा. सर आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोल गए? हाँ ठीक है सर, बोलिए, क्लियर है, समझ में आ गया. हेलो, एग्री करते हैं सभी लोग, बताइए एक बार हाँ या ना बोलिए. हाँ सर, जी सर. एक बार हाँ या ना बोलिए. सूरज सर बने हुए हैं? हाँ हाँ सर, हो गया सर. चलिए सर, नोट कर लीजिए. हाँ, मैं भी बहुत दिन बाद ये फॉर्मूला, मेरा खुद भी ध्यान गया है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सर, अगर बीच बीच में रिवाइज ना करें तो फार्मूले गायब हो जाते हैं माइंड सर. बहुत खतरनाक चैप्टर है सर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है. आप लोग इसको नोट कर ले, मैं भी नोट कर लूँ, मैं बहुत दिनों बाद इसमें ध्यान गया है मेरा, तो इसको बीच बीच में मैं रिकॉल करवाता रहूँगा. एस माइनस टेन ए बाई साइन ए बाई टू बराबर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और कॉस ए बाई टू बराबर होता है ऊपर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और टेन ए बाई टू इसका हो जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए. ठीक है सर, बस तीन फार्मूले याद रहेंगे तो आपको बाकी पूरा पूरा याद रहेगा. तो ये जो क्वेश्चन आया था सर, ये बहुत अच्छा था. इसमें एस की फॉर्म में ला करके हमको क्यू को कन्वर्ट करना था. ए पी का क्वेश्चन मिक्स करके दिया हुआ था. हाँ, ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको? मज़ा आया, समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आंसर क्या है सर? आया ना थ्री, आया ना आंसर थ्री. हाँ डी निकला था ना, थ्री आया था ना सर आंसर. ठीक सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया. मैं आप लोगों को 3D पढ़ाने वाला हूँ अभी किसी दिन, अभी स्टार्ट करनी है 3D और वेक्टर. तो बस जैसे ये फिनिश होती है अपनी, मैं 3D बड़े अच्छे स्केल में पढ़ाऊँगा. मेरा PhD का सब्जेक्ट भी 3D ही है मैथमेटिक्स में, तो अच्छी थोड़ी थोड़ी कमांड ठीक ठाक है. देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस k कैप. देखिए आपको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है किसी लाइन का उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा. तो आपसे ये बोल रहे हैं कॉस अल्फ़ा क्या होगा, और आप लोग जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा को ही हम क्या बोलते हैं, एल. कॉस बीटा होता है एम, और कॉस गामा क्या होता है, एन.
तो आपसे बोल रहा है x एक्सिस के साथ किसी लाइन के बनाए गए एंगल का कोसाइन कितना होगा, और वो जो वेक्टर है जो एंगल बना रहा है उस वेक्टर की वैल्यू दी गई है। सपोज़ वेक्टर a ले लीजिए, तो वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + k कैप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन होते हैं, और एल एम एन तब मिलते हैं जब आप किसी का यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो वो पहला वाला बनता है एल आई कैप, फिर एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो एल को ही हम बोलते हैं कॉस अल्फ़ा, एम को बोलते हैं कॉस बीटा, और एन को बोलते हैं कॉस गामा। तो आइए हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ए, बिल्कुल सही। तो सूरज सर ने देख लिया, पहला वाला बन जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 का रूट आ जाएगा 3, तो 2 अपॉन 3 आई कैप, बिल्कुल सही। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 3, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 2/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है मगर बहुत ज़्यादा दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यूपी टीजीटी के पेपर का। वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो आपसे बोला गया कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। आपको जो बोला गया है कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2 पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताइए। नॉट डिफाइन कह दी सर ने वैल्यू, आइए देखते हैं नॉट डिफाइन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हैं, और दो फंक्शन हैं x इक्वल टू, ये बनेगा एक प्लस x और एक बनेगा माइनस x। प्लस x तब बनेगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और माइनस x तब बनेगा जब ये x लेस देन 0। इसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है ये ब्रेक हो जाएगा किस में, x माइनस 2 में, कब, जब x ग्रेटर देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, और माइनस ऑफ x माइनस 2 जब x इज लेस देन 2। आइए फंक्शन को ब्रेक करते हैं, देखिए 2 पर टूटेगा, तो y इज इक्वल टू 2 0 से बड़ा है तो 2 पर ये किसका टूटेगा, किस फॉर्म में टूटेगा, x में टूटेगा ये, सॉरी, तो 2 पर ये x में टूटेगा, और 2 x माइनस 2 जो है x इक्वल टू 2 के लिए इसमें टूटेगा प्लस x माइनस 2 में टूटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भाई साहब अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में ये x इक्वल टू 2 पर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू में 2x माइनस 2 टूट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा 2। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर जो है वो क्या है, 2 है, x इक्वल टू 2 है। इसका आंसर 2 नहीं आना चाहिए सर, इसका आंसर 2 नहीं आना चाहिए, इसका आंसर 2 नहीं है, 2 पर डिफरेंशियली नहीं आ रहा ये सर। इसमें एट x बराबर 2 का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन तो 2 आएगा लेकिन डिफरेंसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी वहां पे, सार पॉइंट बन जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी। एक 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है सर। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर आपकी बात। सर देखिए हमने डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है सर उस पे। सर यहाँ पर डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बोला गया है ना। हाँ हाँ सर, ये आएगा, 2 ही आएगा। हाँ डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बोला गया है सर यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू 2 पर जो अपना डेरिवेटिव आ रहा है सर, एक्स इक्वल टू 2 पर अपना डेरिवेटिव 2 ही आ रहा है ना। अच्छा, और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से सर ये वाकई देखा जाए तो नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि चलिए सर 2 के अक्रॉस, 2 के आजू और 2 के बाजू हम यदि फंक्शन निकाल लेते हैं तो 2 से बड़ा होने पर सर ये जो फंक्शन मिलेगा हमको वो मिलेगा x, 2 से बड़ा होने पर हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा सर वो मिलेगा हमें कितना, 2x माइनस 2, और अगर 2 से छोटा होने पर वो फंक्शन निकालते हैं तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा सर 2 माइनस 0 और 2 के बीच में 2 मिलेगा सर,
और जीरो से छोटे पर माइनस टू एक्स प्लस टू मिलेगा, जीरो और टू के बीच में बिल्कुल सर टू मिलेगा। तो इस तरीके से सर यदि देखा जाए तो टू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड दो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये टू आ रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली सर, एक डाउट है। हाँ सर, जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन सर मॉडुलस फंक्शन अपने जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट टू पे। चलिए ठीक है, तो अब इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, है ना। और मेरी भी चॉइस यही शायद यही होना चाहिए कि ये फंक्शन, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट एंड वन, टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट एंड वन। अच्छा सर, सूरज सर, करेक्ट आंसर है सर। हाँ हाँ सर, मैंने एक चीज़ महसूस करी है, इसके काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन लगाए हैं कि सर जैसे हम कई बार हमारे पास फंक्शन ऐसा दिया रहता ना वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, एक्स इज़ ग्रेटर देन वन, है ना, और वन माइनस थ्री एक्स, एक्स इज़ लेस देन वन, है ना। तो अपन क्या करते हैं सर, डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, है ना सर। तो वो कई बार गलत आ जाता है सर। हाँ सर, नहीं नहीं, ये जो फंक्शन है ना सर, इसको जब पूरा ब्रेक करेंगे हाँ, तो जो जो टू पे जो लेफ्ट वाला आंसर आ रहा है वो टू आ रहा है मॉडुलस का, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा बिल्कुल, और राइट वाले का डिफरेंशिएशन टू आ रहा है, तो इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। चलिए सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस फंक्शन को एक बार ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और वैसे भी सर स्टार पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जैक्टली सर, और वैसे भी इसमें एक्स माइनस टू बैठा है तो टू पर शार्प पॉइंट मिलेगा, तो उस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। ये फंक्शन सर पहले तीनों इंटरवल में हम लोग ब्रेक कर लेते ना सर, जीरो से छोटा, जीरो और दो के बीच में, और दो से बड़ा। चलिए सर, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस, यदि x प्लस टू है तो ये सर अपने पास में ये फंक्शन जो है देखा जाए तो ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है और एक माइनस टू मिल रहा है, ठीक है ना सर। हाँ हाँ, तो अपने पास में पहला इंटरवल बन गया कि x लेस देन 0, x माइनस टू था यस सर, तो दूसरा वाला टू है ये। चलिए सर, तो ये पहला वाला माइनस एक्स टूटेगा, माइनस टू एक्स प्लस टू, और सर टू से कम के लिए सर माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना सर, प्लस टू। हाँ हाँ सर, ठीक है, तो फाइनली ये माइनस टू एक्स, अब इसमें आ जाइए सर, इसमें ये जीरो से बड़े में एक्स टूटेगा, प्लस होगा, ये माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है ना सर। हाँ हाँ सर, और एक्स अगर टू से बड़ा है, टू के बीच में है, और एक्स अगर टू से बड़ा है तो ये एक्स प्लस एक्स माइनस टू, अब ठीक है सर। तो ये पहला टू पे टूट गया। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, पहला वाला माइनस टू एक्स प्लस टू है ना सर, दूसरा वाला टूटा सर सीधे टू पे, और तीसरा वाला टू एक्स माइनस टू पे, तो ये है एक्स लेस देन टू जीरो से लेके और एक्स ग्रेटर देन टू। तो हमारा जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे सर वो ये वाला करेंगे, तो एफ डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश टू माइनस एच बराबर जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, टू प्लस एच बराबर टू, राइट डेरिवेटिव ट्रू, जो कि बराबर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट यस जी सर। तो इसका मतलब होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसकी हम लोगों ने जो मिस्टेक थी वो दूर कर ली है और इसका करेक्ट आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एलजेब्रा का, क्लास नाइन्थ का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है ना, x होगा प्लस वन बाई एक्स क्यूब का। तो हम लोग जानते हैं कि भाई x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स और ब्रैकेट में x प्लस वन बाई एक्स, इसी से सॉल्व कर लीजिए। तो ये टू का क्यूब आठ हो गया और हमको ये चीज़ चाहिए है, और तो ये चीज़ चाहिए, इसको कुछ भी ऐसे ही सपोज कर लो ये, और प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, तो आठ में से छः गए तो कितना आएगा, दो आएगा, ठीक है सर। कोई और सर, ये जो क्वेश्चन होता है, हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा एक चीज़। हेलो, हाँ बोलिए सर।
सर ये जो क्वेश्चन मेनली इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर x प्लस वन अपान x बराबर टू हो तो इसका मतलब ये है कि x बराबर वन दिया है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू x बराबर जीरो होगा, तो x बराबर यहाँ से वन आ जाएगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो इन सब में जहाँ जहाँ x वन रख के सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर हमेशा आ जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखे तो इसका मतलब x बराबर 1 समझ करके सॉल्व कर लीजिए। इसमें x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 19 भी पूछ लेता है, तो आप निकाल सकते हैं, दो आएगा। हाँ, क्योंकि इसके दोनों रूट सर एक ही आएंगे, है ना, क्योंकि माइनस 2 से दोनों रूट कॉमन रूट है। ओनली 2 के केस के लिए, अगर दोनों का सम 2 है तब। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आया हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अगर z इक्वल टू e की पावर i थीटा, तो आपको बताना है कि z स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई, सॉरी ऊपर माइनस वन है, z स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई z स्क्वायर प्लस वन का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं a i टेन थीटा, सेकेंड दिया गया है टेन थीटा, थर्ड दिया गया है आपका i cot थीटा, और फोर्थ दिया गया है आपका आई sec स्क्वायर थीटा। आइए पुट करते हैं, z स्क्वायर माइनस वन यानी e की पावर आई करेक्ट है आई थीटा, टू आई थीटा माइनस का वन, और यहाँ पर e की पावर टू आई थीटा प्लस का वन। यदि इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये टूटेगा cos थीटा, सॉरी cos टू थीटा प्लस आई sin टू थीटा माइनस का वन, और ये cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा प्लस का 1। ओके, तो cos 2 थीटा माइनस 1, यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, और प्लस i sin 2 थीटा, तो i sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस वही आई इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यदि यहाँ पे हमें वन माइनस कॉस टू थीटा है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वन माइनस कॉस, इसको आगे ले जाऊँ उस पेज पे, आई टेन थीटा आएगा सर। हाँ है तो आई टेन थीटा, तो सर इसमें ई की पावर आई थीटा ऊपर नीचे से कॉमन ले तो तुरंत हो जाएगा। अच्छा, e की पावर i थीटा ऊपर नीचे से कॉमन ले लें। चलिए सर, इसको कर कर लेते हैं सर, फिर वो भी कर देते हैं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस i इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस i इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। बात वही है, 2 कॉमन लेकर के चारों से कैंसिल कर दीजिए। ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है कितना, साइन थीटा, तो यहाँ से ऊपर से साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर वाले में देखिए साइन थीटा माइनस में है और आई के साथ कॉस थीटा लगा हुआ है, तो सर हमको कॉस थीटा को अकेला करना है, तो हम क्या करते हैं, आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड कर देते हैं, तो पूरे में हम आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस अपॉन साइन हो गया 10, और सर आई का डिवाइड करेंगे तो इसके साथ 1 अपॉन आई चला जाएगा, यानी 1 अपॉन आई का इसका मतलब होता है आई अपॉन आई यानी माइनस आई, तो ये कितना बन गया, ये बन गया माइनस आई साइन थीटा, और आई थिंक सर आई का माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ यस, और प्लस कितना हो गया, आई टेन थीटा आएगा सर। हाँ सर, आई टेन थीटा आएगा ना, क्यों नहीं सर, वन अपॉन आई अपन ने डिसॉल्व कर दिया और आई, ठीक है सर, आई टेन थीटा, और नीचे बन गया अपने पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बिल्कुल सही सर, करेक्ट आंसर सर आई टेन थीटा। अब सर वाली मेथड देख लेते हैं, सर ने कहा कि सर e की पावर 2i थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर 2i थीटा प्लस का 1, सर ने कहा e की पावर i थीटा कॉमन ले ले ऊपर नीचे से, तो e की पावर i थीटा कॉमन ले लिया, तो e की पावर i थीटा
माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, और अब नीचे में ई की पावर आई थीटा कॉमन लिया तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है ना सर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है सर। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का आई साइन, नहीं नहीं सर ये मत कर, हाँ कर दीजिए सर इसको, अब कॉस थीटा प्लस आई साइन टू से डिवाइड कर दीजिए ऊपर आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए थीटा माइनस, हाँ सर टू से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों सर इसमें क्या दिक्कत है सर, यहाँ पे देखिए सर, हाँ ये भी तो आ गया, इसमें भी तो आ गया, इसमें भी तो आंसर, इसमें भी आ गया ना सर, उसमें फॉर्मूला बन जाता है तुरंत 2i sin theta upon 2 cos theta, 2 से 2 cancel, i upon sin हो गया सर कितना, i tan theta, इसमें भी आ गया। अब आप लोग क्या कह रहे हैं सर, कैसे कर दिया जाए? हाँ सर वहाँ फार्मूला बन जाता है ऊपर वाले को सर 2i, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे इसमें सर नीचे 2i का डिवाइड कर दें सर, क्या कह रहे हैं प्लीज बताइए, ऊपर वाले में सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और न्यूमरेटर में आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आई साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा आई टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा ऊपर अपन ने ई 2 का डिवाइड कर दिया और नीचे भी 2 का डिवाइड कर दिया और यहाँ आई का मल्टीप्लाई, और क्या मैडम क्या बोले, और क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है न्यूमरेटर में, ओके न्यूमरेटर में सर जो साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान में टू आई होता है ना सर, ओके ओके ओके, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर में टू आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में सिर्फ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा सर, फार्मूला मैंने सही लिखा है देखिए, एकदम सही है सर एकदम, ठीक है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपान टू आई, ठीक है ना, और सर कॉस थीटा का फॉर्मूला एक बार और बता दीजिए कितना होता है, e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2, ठीक है सर ठीक है, समझ गया सर क्या करना है उसमें। चलिए तो इससे भी ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, एक मिनट सर ये फॉर्मूले सभी लोग नोट कर लें सर, कास वाले में ई की पावर आई थीटा, आप कास आई थीटा ली, अरे सर जी वो मिस्टेक हो गई है बस, भावनाएं वही कह रही है, ई की पावर आई थीटा ही है, फीलिंग वही कह रही है, साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा होल डिवाइड बाई टू आयोटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू, ठीक है सर, ये मेरे को ऐसा लगा जैसे वो हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होता सर उसका फॉर्मूला ऐसा ही कुछ, बस बस वही है ये, वही फॉर्मूले है पर बोलो सर आई, हाँ सर क्या कह रहे हैं, हाँ बोली में आई में आई ले सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्वेश्चन नंबर 17 हाइपरबोलिक वाले में आई नहीं रहता सर, हाइपरबोलिक वाले फंक्शन में आई नहीं रहता है, साइन एच एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, यही होता है सर अपॉन टू, और कॉस एच एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, यही तो होता है ना सर, बिल्कुल सर, हाँ सर एक दिन अपन ये करे थे सूरज सर, याद होगा आपको, बिल्कुल सर बिल्कुल याद है सर। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं अगला, इंटीग्रेशन का बढ़िया फर्जी क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, सरल क्वेश्चन, लिमिट आ जीरो से लेकर के पाई इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 5x, ये दिया गया है इंटीग्रेशन करना है, ऑप्शन दिया गया है 0, 1, -1 पाई, तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको नंबर 1 दे दीजिए और प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a वाली, तो 0 से लेकर के पाई साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही होता है, तो साइन की पावर 6x हो जाएगा, और कॉस की पावर 5 है तो कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस माइनस एक्स होता है, वसीम सर नमस्ते, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कॉस की पावर 5x हो गया dx, समीकरण नंबर 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए भैया 2i बराबर 0 आ गया, आंसर i इक्वल टू 0, काफ़ी सरल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए सभी लोग, ये ऑड फंक्शन था ना सर,
बिल्कुल सर, ऐड कर दिया अपन ने तो जीरो हो गया ऐड होकर के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ओके सॉरी इंटीग्रेशन करना है, माफ़ कीजिएगा, इट इज़ द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, कुछ तरीके की बात यह है कि आपके पास है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, जो डी एक्स होता है अब वो डी एक्स स्क्वायर बन गया है, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, सर पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू हो जाएगा, वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को आपने वाई सपोज कर लिया तो कुल मिलाकर के फंक्शन हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वाई और ये हो जाएगा डी वाई और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई की पावर वन बाई टू और डी वाई। तो ये वही फार्मूला सिंपल, इसको टी लेकर के तो कितना हो जाएगा वन प्लस वाई की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, पल्टी मार के टू बाई थ्री और वन प्लस वाई की जगह वैल्यू रख दें एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। करेक्ट आंसर यही है, टू बाई थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू। ठीक है सर, क्लियर है सभी को, बन जाएगा। बोलिए सभी लोग भाई, क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ हो गया सर। हाँ सर हो गया सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, जो 100% एग्जाम में आएगा वो मैं करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखिए, द वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट, ओके द वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट आई कैप, ओके तो तीन चीज़ याद रखिए, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ओके ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। अब कह रहा दो तीन फोर्स लग रहे हैं, तो भैया कितने भी फोर्स लगे सबसे पहले उन तीनों को जोड़ करके उनका सबका रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप और दूसरा फोर्स लग रहा है, तो पहला ये जोड़ दो और दूसरा फोर्स लग रहा है थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो आई कैप तो आई कैप ही रहेगा, माइनस का टू जे प्लस का थ्री जे, तो तीन में से एक गए तो प्लस का जे और प्लस का फाइव के माइनस का फोर के यानी प्लस का के कैप। तो ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास इसका नेट फोर्स आ गया है। आपको एक्टिंग एट द पॉइंट, ओके एक्टिंग एट पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या दिया गया है, वो पॉइंट आपको दिया गया है माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसका फार्मूला याद करो, सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला बहुत लोग बोलेंगे एफ क्रॉस आर और बहुत लोग बोलेंगे आर क्रॉस एफ, तो याद रखना टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता है। अगर आपको परिणाम आ गया, परिमाण आ गया, तब तो चलो ठीक है, तब निकाल लोगे आप इसका मॉड, तो मॉड सही आएगा, मगर जो सही फार्मूला वेक्टर रूल का है वो है आर क्रॉस एफ, क्योंकि आप इसमें सदिश r को f की तरफ घुमाते हो, तो इसलिए ये फार्मूला बनता है r क्रॉस f। मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स का सिस्टम क्या है। जैसे मान लो ये आपके दरवाजे की चौखट का कुंदा जहाँ पे दरवाज़ा कसा रहता है और ये आपके दरवाजे का हैंडल है, ठीक है ना, आप इस हैंडल को पकड़ करके, ये क्या है r, ये क्या बन गया, ये r है, तो r के ऊपर आप क्या है f फोर्स लगाते हो, ये है, तो जो टॉर्क जनरेट होता है, जो घुमाव जनरेट होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अब देखो आर की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, आर कैसे बनेगा, ये है ए और ये है बी, तो जो एक्चुअली आपको आर दिख रहा है वो क्या है, वो है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब जिस पॉइंट पे लगा रहे हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये बहुत कठिन कंसेप्ट है, इसमें गलती हो जाती है,
तो दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जिसको मैं सिंपल मैं बोल दूं आर एट जिस पे लगा रहे हो माइनस आर अबाउट। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। तो जो आर वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एट माइनस अबाउट जिस पे लगाया माइनस जिसके अबाउट लगाया, और इसमें आपका मल्टीप्लाई करो। तो ले दे करके फाइनली फार्मूला लिख लीजिए टॉर्क का। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, जो कि बनेगा आर एट माइनस आर अबाउट इन टू एफ। तो अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है एट किस पॉइंट पे लगाया और किसके अबाउट लगाया, तो फोर्सेस दोनों जहाँ पे लग रहे हैं वो कहाँ पे लग रहे हैं, द वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट और एट द पॉइंट। तो पहले आपको एट रखना है। तो देखो क्वेश्चन में मैंने एट दे रखा है, किस पॉइंट पे लग रहा है एट, देखो ये लग रहा है एक्टिंग एट द पॉइंट। तो एट पहले आएगा, अबाउट बाद में आएगा। माइनस टू आई कैप माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, तो माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप माइनस अबाउट। आप घुमा रहे हो किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ओके तो ये तो हो गया एट और ये क्या है अबाउट। अब अबाउट का वेक्टर लिखना है, तो देखो आप किस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हो, इसके अबाउट। तो माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, तो माइनस आ गया ना, तो माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप मल्टीप्लाई बाई फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्या निकाला था अपन ने, रिजल्टेंट निकाला था ना दोनों फोर्स का, दोनों का फोर्स रिजल्टेंट अपन ने निकाला था। कितना निकाला था, ये आई कैप कुछ गलत तो नहीं किया, प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये भी सही है, इनटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलो सॉल्व कर दूँ, तो दो आई माइनस आई मतलब माइनस का तीन आई कैप, तीन आई का कैप तीन जे का कैप है, माइनस दो का के जे का कैप है मतलब प्लस जे कैप, और माइनस फोर के कैप क्रॉस करोगे क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से। अब कर लेंगे आप लोग बाकी का काम कि नहीं कर पाएंगे बताइए। हेलो, हो जाएगा ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपका ज़रूर आएगा, और मेरी बात याद रखिएगा, आर निकालने का तरीका आर एट माइनस अबाउट होता है, क्योंकि आर वेक्टर हमेशा सेंटर से दूर की तरफ जाता है। तो किस पे लगाते हो बनता है एट, और किसके परितः घुमाते हो वो बनता है अबाउट। तो माइनस साइन का गलती हो जाएगी अगर आपने उल्टा कर दिया तो, है ना, इसलिए आर एट माइनस अबाउट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आपको रटना है भाई, इसका सलूशन मैंने ही निकाल पाया हूँ, तो निकालने की कोशिश भी नहीं करी मैंने, यही कह लीजिए। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई का इमेजिनरी पार्ट आपसे बोला गया है, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया, और ये होता है टेन इनवर्स कॉट ऑफ एक्स इंटू टेन एच वाई। बस इसको नोट कर लो, लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई का इमेजिनरी पार्ट जो होता है टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस टेन एच वाई। मैं भी नोट कर लेता हूँ, एक सेकंड दो मुझे भी भाई। ओके क्वेश्चन क्या डालिए, टॉपिक क्या डालिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट ऑफ एक्स इंटू टेन एच वाई। चलो ख़त्म हो गया ये भी। इसका किसी को सोल्यूशन बने तो भाई मुझे भेज देना, है ना, इसका सोल्यूशन मेरे से नहीं बना है। अगला सवाल देखते हैं। सूरज सर क्लास में हो भैया, सूरज सर? हाँ सर, अब इसको करके भेज दीजिएगा सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में मैं, आप इसको करके भेज देना सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन, सर ये राजमणि सर कुछ बता रहे हैं सर, सुन लीजिए सर एक मिनट। हाँ राजमणि सर बताइए सर,
बताइए राजमणि सर। राजमणि सर कुछ कह रहे थे आप। राजमणि सर बताइए सर। देखिए सर मीटिंग में है क्या? हाँ सर आवाज जा रही है सर आपकी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा सर। सर ये जो log sin x plus i y लिखे थे ना सर इसमें sin x plus i y में sin a plus b का फार्मूला लगाएंगे तो sin x cos i y plus cos x sin i y लिख जाएगा तो जो cos i y होता है वो cos h y लिखा जाता है cos hyperbolic y hyperbolic में आ जाएगा hyperbolic में। हाँ और sin i y को i sin h y लिख देंगे तो एक फार्मूला होता है log x प्लस आई वाई का वो होता है 1 अपान 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स y अपान x। अच्छा तो ये y अपान x का वैल्यू है सर जो y था हां हां वो जो sin a प्लस सेकंड टर्म आता है सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म वही डिवाइड हो गया बस। चलिए सर अब आप लोग को इसको करवाना ही पड़ेगा अब आपने इतनी बढ़िया जानकारी दे दी है तो log of नहीं सर हो जाएगा sin of x plus iy। हां तो ये हो गया सर log of sin x x into cos y plus cos x into sin i y। अब ये सर आप बता रहे हैं कि जो cos i y की वैल्यू कितनी होती है cos i y कितना होता है सर cos h y cos h y होता है cos hyperbolic y। अरे वाह और sin i y कितना होता है सर i sin hyperbolic i sin इसमें i अभी आ जाएगा hy यही ना सर hyperbolic जी सर। चलिए सर बहुत बढ़िया तो ये हो गया भैया log of ये हो गया sin x है cos iy को cos hy sin x cos hy और प्लस cos x और sin iy का मतलब हो गया i sin i आगे लगा दीजिए सर hy i पर आगे लगा दीजिए ये लीजिए सर i मैंने आगे लगा दिया ठीक है सर जी हां जी जी। अब क्या करूं सर अब सर एक फार्मूला होता है log x plus iy का अंडर रूट x स्क्वायर पर 1 बाय 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके है ना। हां सर बिल्कुल सर 1 अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i इनवर्स y बाय x। हाँ सर देखिए 1 अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो sin x cos hy हमें सिर्फ सर y अपॉन x चाहिए ना सर अब रूट मत लगाइएगा सर 1 बाय 2 अगर बाहर कर रहे हैं तब। हाँ 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 सही बात है 1 बाय 2 अगर अपन ने बाहर कर दिया तो अंडर रूट और 1 बाय 2 बाहर कर दिया तो केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब वही रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट और tan इनवर्स कितना होता है सर i tan इनवर्स i tan इनवर्स y by x। हाँ इनटू i tan इनवर्स y by x तो भैया cos x इनटू sin hy ये y हो गया और x कितना हो गया भाई साहब sin x इनटू cos hy है ना सर हो गया सर यही आंसर था cot x और tan hy। वाह सर आंसर ही ला दिया आप तो सर गजब हो गया है ना इक्वल टू cot x इनटू tan hy यही तो है आंसर सर है ना सर इसका इमेजिनरी इसका इमेजिनरी पार्ट ये होगा है ना सर जी ठीक है सर तो मतलब दो मात्रा रियल पार्ट में लॉग नहीं आएगा क्या हां सर लॉग रियल पार्ट में यहां पे आएगा मेरे ख्याल से सर लॉग इधर पे आएगा लॉग हां यस लॉग आएगा और बीच में प्लस आएगा साइन ना यहां पे log इधर पे आ जाएगा तो log of tan inverse क्योंकि ये तो पूरा का पूरा e की पावर r e की पावर i थीटा log r नहीं r ये बीच में प्लस आएगा जहां log लगाया है और उससे पहले log आएगा बीच में प्लस आएगा। देखिए सर क्या होता है z बराबर होता है r e की पावर i थीटा तो log z इक्वल टू हो जाता है log r प्लस i थीटा log e हो जाता है 1 तो ये गायब हो जाएगा पहले उसके log आ जाता है 1 हो जाता है ये 1 हो जाता है log जो है यहां पर आएगा जी सही बिल्कुल सही एकदम है ना सर और 1 by 2 आगे आ जाता है अगर आप रूट लगाओगे तो 1 by 2 आओगे सर 1 by 2 आगे आ जाएगा तो ये 1 आओगे नहीं तो रूट लगाएगा हां यस सर यही होगा ठीक है सर ठीक है ठीक है।
तो मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है जो सर ने बताया कि कॉस आई वाई बराबर होता है कॉस एच वाई, तो मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करूँगा कि ये जो दो फार्मूले सर ने बताए हैं कॉस आई वाई बराबर कॉस एच वाई, क्योंकि बाकी चीज़ तो अपन सब कर लेंगे, बस यही फार्मूले थे दो ठो, कॉस आई वाई बराबर कॉस एच वाई और भैया साइन आई वाई बराबर आई साइन एच वाई, ठीक है ना सर? जी सर। हाँ चलिए सर, बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आज का ये आखिरी सवाल करेंगे आज। बहुत बढ़िया, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जनता जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, मगर बड़े बड़े आज चलने दीजिए तेरे तक पास चल पाए। कल संडे है, आराम से कल सर स्कूल नहीं जाना है सुबह। आज सर मेरा नेट भी चल रहा है ऐसा सर, आज मेरा नेट चल रहा है। चलिए तो फिर बढ़िया है, फिर चलिए लगे रही जब डेली का नहीं चल पाता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यू करिए सर, कितनी टाइम तक कर पाइए? नहीं सर बिल्कुल करते हैं हम, नेट की प्रॉब्लम रहती है इसलिए नहीं जुड़ पाता हूँ, आज मैं छत पे बैठा हूँ। आप छत सर आप करवा दीजिए, आप छत पे बैठे हैं आज और सूरज सर हमारे छत पे ही बैठ के क्लास लेते हैं। सूरज सर हाँ हाँ सर, आपको छत बहुत पसंद है। हम दोनों सर क्लोज हैं, सूरज सर और मैं दोनों लोग क्लोज हैं। सर आप सर हम मतलब कि हम लोग सर साथ में पढ़ाते थे सर। हाँ राजमणि सर हैं सर यहाँ, मतलब कि इधर मैथ के बड़े फेमस टीचर हैं और हमसे भी लगभग 7-8 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है सर को पढ़ाने का। अरे वाह। हाँ सर, आई थिंक सर मोर देन 15 ईयर अनुभव है सर को पढ़ाने का। जी 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 सर, बहुत बढ़िया सर। जी सर ठीक है ना, इतने बड़े बड़े अनुभव वाली लोग हैं फिर भी बताइए कितनी बढ़िया बात है, इतना मन लगा के अभी भी आप लोग रात तक लगे हुए हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, देखिए भैया आपके पास एक कर्व है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कर्व दिया गया है और लाइन वाई इक्वल टू 4 है, आपको निकालना है इसके बीच का क्षेत्रफल। तो भैया y बराबर x स्क्वायर जो कि पैराबोला है मूल बिंदु से जाएगा, खींच करके ऊपर की तरफ भेज देते हैं, और y बराबर 4 जो लाइन है, y बराबर 4 मतलब ये वाली लाइन जाएगी अपने पास में, तो हमको निकालना है इसके बीच का क्षेत्रफल। तो बेटर होगा इस स्ट्रिप को जो है हम y एक्सिस में मूव कर दें, तो इंटीग्रेशन होगा x dy और y एक्सिस में स्ट्रिप कहाँ से मूव होगी, 0 से लेकर के 4 तक, क्योंकि भैया 0 से लेकर के ये लाइन गई है y इक्वल टू 4 तक, तो इसमें डायरेक्टली स्ट्रिप मूव हो जाएगी और इसका एरिया डबल कर देंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर है तो x इक्वल टू अंडर रूट y आ गया, तो अपने पास आ गया 0 से लेके 4 अंडर रूट y है और ये है dy 2 लगा रहेगा 2/3 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, 2/3 स्क्वायर यूनिट 32, चलिए देखते हैं 32/3 y की पावर 1+1/2 यानी 3/2 और यहाँ पे 2/3 और ऊपर में 2 पहले से लगा हुआ है और लिमिट लग जाएगी भाई साहब 0 से लेकर के 4, तो कितना हो गया 8/3 और इधर 4 रूट 4 यानी कि कितना होता है भैया 4 × 2 = 8। हाँ तो भैया आंसर आ गया कितना 64/3। सर कुछ गलत हो रहा क्या, गलत तो नहीं किया? 4 root 4 3/2 यानी 4 root 4, ठीक है सर? और हाँ हाँ सर हाँ ठीक, तो 2 times होना चाहिए सर, 2 times तो कर दिया ना सर, तभी तो 2 × 4 हो गया 8, ये 2 × 2 हो गया था सर, 32/4 आएगा ना, 32 आएगा सर, एक मिनट सर, 32/3 आएगा, 32/3 आएगा सर, 4^3/64 √8। एक मिनट सर, ये जो अपने पास था ये बाहर गलत था, ये 4/4/3 था है ना सर? हाँ सर, ये आएगा, ये 4/3 था और 4 का ³ आएगा 4√4 यानी 4 × 2, तो सर इसका आंसर आएगा 32/3 है ना सर? हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है सर, तो इसका जो आंसर हो गया है ये आ चुका है अपने पास में 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है सर।
चलिए तो एक सर जो आज मेरा कलेक्शन था पहला वाला जो मैं लेके आया था वो तो सर पूरा का पूरा जो है समाप्त हो गया है। अब दूसरा कलेक्शन क्वेश्चन का मैं निकाल रहा हूँ आज। बड़ी अद्भुत बात है कि आज एक कलेक्शन समाप्त हो गया है, अब दूसरे कलेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए आइए करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम चलते हैं। तो 3D में हमारे पास TGT में जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे पास है लाइंस हैं और भैया स्क्यू लाइंस हैं और हमारे पास प्लेन हैं और हमारे पास है स्फेयर। तो ये चार चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, लाइन, स्क्यू लाइन, प्लेन और स्फेयर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या निकालते हैं। हमें पढ़ना है सबसे पहले कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ये चीज़ जान लीजिए कि दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो कैसी होंगी, वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगी, क्योंकि दो लाइन अगर आकर के किसी भी मोमेंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक प्लेन से होकर के जाएंगी। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा क्या होती हैं, कोप्लेनर होती हैं। तो पहले ये चेक करना ज़रूरी है किसी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के पहले कि वो कोप्लेनर हैं या नहीं हैं। कोप्लेनर अगर होंगी, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तभी हम उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो आज की हम पहली प्रोसेस करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की। तो देखिए हमारे पास पहली लाइन दी गई है x-x1(a1) = y-y1(b1) = z-z1(c1) और दूसरी लाइन आपके पास दी गई है x-x2(a2) = y-y2(b2) = z-z2(c2). ये दो लाइन हमारे पास दी गई हैं और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को निकालना है। तो क्या करो भैया, इसको लैम्डा वन के इक्वल मान लो, इसको लैम्डा टू के इक्वल मान लो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो। तो देखिए पहले वाले जो अपने पॉइंट निकलेंगे लाइन के, वो पहले वाले पॉइंट क्या निकलेंगे, पहले वाले निकलेंगे a1 λ1 + x1, दूसरे वाले से b1 λ1 + y1 और c1 λ1 + z1। ये पहले पॉइंट आ गए, पहले कट पॉइंट। और दूसरे निकलेंगे a2 λ2 + x2, b2 λ2 + y2 और c2 λ2 + z2। अब देखिए क्योंकि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, भागो यहाँ से गुड़िया भागो, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के लिए समान होंगे। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं तो तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगे। तो अपन करते क्या हैं, a1 λ1 + x1 = a2 λ2 + x2, ये इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा b1 λ1 + y1 = b2 λ2 + y2 से अपन हल कर लेते हैं और लैम्डा वन और लैम्डा टू का मान निकाल लेते हैं। तो लैम्डा वन और लैम्डा टू का मान निकाल लीजिए और ये लैम्डा वन लैम्डा टू का मान उठा करके तीसरे में पुट कर दीजिए। अगर ये तीसरे इक्वेशन को जिसका नाम है a1 λ1 + z1 = a2 λ2 + z2 को अगर संतुष्ट अगर करेगा तो कट पॉइंट आप निकाल पाएंगे, और अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये लाइन वाकई में कोप्लेनर नहीं थी, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। ये लाइन कैसी थी, ये नॉन कोप्लेनर लाइन थी, मतलब स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का मतलब नॉन कोप्लेनर। अब समझिए नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। जैसे ये एक लाइन आपके सामने रखी हुई है, ठीक है ना, ये एक लाइन आपके सामने दिख रही है। अब एक तुलना करिए कि यहाँ से एक लाइन बोर्ड को फोड़ते हुए, आपके मोबाइल स्क्रीन को फोड़ते हुए आगे से लेके पीछे की तरफ ये जा रही है। तो अब ध्यान से देखिए, ये कभी यहाँ नहीं मिल सकती क्योंकि ये तो इधर एक्सपेंड कर रही है और ये लाइन जो है बिल्कुल सामने से सीधे से ऊपर से आपके सामने निकल गई, सिर को धक्का देते हुए आपके, जैसे आप जहाँ से पढ़ रहे हैं मोबाइल पढ़ रहे हैं, ये इसके आगे से सीधे अनंत काल तक चली जाएगी। तो ये कभी नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करते हैं अपन, फिर अपन इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक ऐसी रेखा लेते हैं किसी भी बिंदु पर जो दोनों पे लंबवत हो, मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे भी लंबवत बने और यहाँ पे भी लंबवत बने। तो ये जो PQ कहलाता है,
ये कहलाता है दो एसक्यू लाइन के बीच की दूरी या दो असमतलीय तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो ये दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हम इसमें काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा मतलब इसमें कि अगर लैम्डा वन लैम्डा टू सेटिस्फाई हो रहा है और वैल्यू दे रहा है तो अपने पास भैया जो रेखाएं होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी और आप कट पॉइंट निकाल लेंगे, और नहीं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, कट पॉइंट निकलेगा ही नहीं आपका। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में, रेखाएं जो हैं आपके पास में आपको बताना है x माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू y माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू z माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। और दूसरा x माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू y माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू z प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू। आपको बताना है कि इनके प्रतिच्छेदी करेंगी कि नहीं करेंगी, और अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले इन दोनों रेखाओं के डायरेक्शन रेशियोज़ देखा करिए। तो ए वन बी वन सी वन क्या दिया है, तीन पाँच और दो, और जो ए टू बी टू सी टू आपको दिया गया है वो कितना दिया है, वो दिया है आपके पास चार दो और एक। तो पहले ये देख लिया करो कहीं ये समानुपाती तो नहीं है, क्योंकि अगर समानुपाती हो गए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, और समानांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समानांतर रेखाएं समतलीय तो होती हैं, एक प्लेन पे तो होती हैं, मगर ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो भैया फ़िलहाल ये जो हैं ये समानांतर तो नहीं है, तो अपने पास दो केस बन सकते हैं कि या तो ये वाकई में आके प्रतिच्छेद कर देंगी, या एक काम वही वाला हो जाएगा कि एक रेखा नीचे से निकल जाएगी और दूसरी रेखा कुछ इस तरीके से आपके सिर के सामने से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो चेक करिए जल्दी से कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदन बिंदु दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। रेखाओं का नाम आपने लिख लिया है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ रेखाओं का नाम। भाई साहब ये लिखा हुआ है, हाँ, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन टू, एंड एक्स माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन, ये लिखा हुआ है, ये रेखाओं के नाम है। चलिए आइए हल करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप रेखाएं ले लीजिए। तो रेखाएं आपके पास में है एक्स माइनस वन अपॉन टू लाइन होंगी सर, वाई माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू। अच्छा सर एसक्यू लाइन क्या कर दिया सर आपने, डिस्टेंस निकाल ली क्या, प्रतिच्छेदन की कंडीशन देख ली। निकाला सर, ये सेटिस्फाई किया सर, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाला तो वो तीसरे वाले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसका अच्छा, मतलब कि अच्छा, दोनों इंटरसेक्शन नहीं हुई। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। हम भी निकालते हैं सर जल्दी से, चेक करिएगा। x माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन। यदि समीकरण बनाएंगे लैम्डा वन और लैम्डा टू लेकर के सर देखिए, तो थ्री लैम्डा वन प्लस इक्वल टू, इससे देखेंगे तो फोर लैम्डा टू प्लस फोर लैम्डा टू प्लस टू, और इधर से 5 लैम्डा 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा 2 प्लस 1, और इधर से 2 लैम्डा 1 प्लस का 1 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस का 1। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन। समीकरण एक व दो को हल करके आप जो है लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो समीकरण एक को लिखेंगे 3 लैम्डा 1 माइनस 4 लैम्डा 2 बराबर 2 में से एक गए एक, और दूसरे को लिखेंगे 5 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 बराबर 1 में से दो गए माइनस 1। तो दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ से लैम्डा 1 नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सर, माइनस 3 बटे 7, और लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही होगी माइनस 4 बटे 7। यही आ रही सर, लैम्डा 1 की वैल्यू माइनस 3 बटे 7 और लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस 4 बटे 7। अब इसको समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो समीकरण नंबर 2 लैम्डा 1 यानी माइनस 3 बटे 7 प्लस 1 बराबर लैम्डा टू है ना, एक मिनट, इक्वल टू लैम्डा टू माइनस वन, मतलब माइनस चार बटे सात और माइनस का एक। सॉल्व कर दीजिए सर, तो दो तिया छः माइनस छः और प्लस का सात बटे सात बराबर माइनस का चार और माइनस का सात बटे सात। देखते हैं हाँ या सना, तो भैया माइनस एक बटे सात बराबर सात और चार माइनस ग्यारह बटे सात, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेखाएँ प्रतिच्छेदी नहीं है, और जब प्रतिच्छेदी नहीं है भैया तो
तो हम इनका कट पॉइंट नहीं निकाल सकते। हेलो, हाँ सर, सर इसको फिर हम ऐसे भी सर चेक कर सकते थे, नॉन कोप्लेनर दिखा दें, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती नहीं है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वही मैं बताने वाला हूं सर प्रतिच्छेदन की शर्त कह लीजिए, कोप्लेनर है, प्रतिच्छेदन की शर्त कह लीजिए या समतलीयता का प्रतिबंध कह लीजिए, समतलीय होने का प्रतिबंध भी यही है, ठीक ना, प्रतिच्छेदन की शर्त है या समतलीय होने की प्रतिबंध भी यही है कि अगर दो रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वो 100% समतलीय हो जाएंगी, और समतलीय होने में उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, स्क्यू लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी जीरो। जैसे मान लीजिए कंडीशन क्या होती है, ये अपने पास सीधी लाइन है और ऊपर से एक लाइन ये आ रही है, अगर आप इसके बीच का गैप कम करते जाएंगे तो एक समय ये खसक करके इसके ऊपर आ जाएगी और उस समय ये रेखा ऐसी चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, समतली हो जाएंगी। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितना बन कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो आइए मतलब कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी इनके बीच की दूरी जीरो। अपने पास दो रेखाएँ हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी रेखा x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, यदि रेखाएं हैं तो यदि ये समतली हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो कंडीशन लिखिए x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू का मान कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास में ये जीरो हो जाएंगी, और इसमें एक समीकरण बनता है कि अगर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनसे जाने वाले समतल का समीकरण, इफ़ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन। तो यदि दो रेखाएं हैं वही वाली और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही किसी बिंदु पर, तो इनसे होकर के जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, इनसे होकर के जाने वाले समतल का समीकरण x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू इक्वल टू क्या, जीरो। क्यों क्यों भैया, क्योंकि देखो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और पहली रेखा किससे जा रही है, एक्स वन वाई वन जेड वन से, और इसके दिक अनुपात कितने हैं, ए वन बी वन सी वन, और इसके दिक अनुपात कितने हैं, ए टू बी टू सी टू। तो कंडीशन क्या लगेगी, वही वाली कंडीशन, दो सरल रेखाओं को धारण करने वाले तल का समीकरण। तो दो सरल रेखाओं को धारण करने वाले तल का समीकरण यही होता था, तो यहाँ पर भी यही काम करेगा, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं उससे जाने वाले समतल का समीकरण। चलिए तो पिछले क्वेश्चन में अपने पास जो दो रेखाएं थी उससे किसी भी प्रकार का समतल नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो हमने दोनों रेखाएं ली थी वो समतलीय नहीं थी, ठीक है सर। हाँ सर, अब ऐसा है सर, कोई जुड़ा नहीं ना सर, हम आप तीन ही लोग हैं, चार लोग हैं केवल। हाँ 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 हाँ, ये जो अपना जो सेकंड डाटा है सर, ये कल कंटिन्यू करिए। चलिए सर, ठीक है सर, मैं भी बिल्कुल भूल नहीं वाला था। तो वैसे सर आज मैं एक कोड भेजा था उसमें, इफ यू पे अटेंशन, आप अगर पैसा देंगे तब तो आप मन से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल बात सही है सर, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट सो यू विल नॉट पे योर अटेंशन। हाँ तो बस वो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, ये स्पष्ट बात आपकी बिल्कुल सही है सर की जो अभी सर मान लीजिए कि एक महीने का अपना मान लीजिए मिनिमम मान लीजिए हम लोग 1500 रुपए चार्ज रखा गया होता ना, तो यहाँ पर सभी लोग लगे होते अभी ऐसा, अब वही है कि फ्री क्लास मिल रही है लोग छोड़ छोड़ दे रहे हैं। नहीं ठीक है सर, फिर अब कल कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, कल कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट तो सही जा रहा है सर, अपने सर कंटेंट, कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है ना अपनी तरफ से, नहीं सर, नहीं सर। और राजमणि सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो कंटेंट अपन दे रहे हैं वो यूपीटीजी के लिए सब बहुत सही है, सफिशिएंट है ना, बिल्कुल सर,